नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आवर स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास टेंथ के साइंस के अध्याय 12 के क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पेज नंबर 232 से है और चैप्टर का नाम है विद्युत। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों? तो क्वेश्चन बोला गया है कि समान पदार्थ के जो है एक पतला और दूसरा जो है मोटा तार है और हमें बताना है कि अगर वो सेम स्रोत से विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है तो किसमें जो विद्युत धारा आसानी से पार करेगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोटा तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है किसके मुकाबले, तो पतले तार के मुकाबले। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रतिरोध जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया के। अब ये एरिया क्या है, तो ये एरिया ए जो है उस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहां पर देखिए ये वाला भाग क्या है, तो उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं। तो इन दोनों तारों में जिस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा उसमें जो है विद्युत धारा आसानी से पार करेगा। तो जैसे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसके मुकाबले क्या है, तो ज्यादा है, तो इसमें जो है करंट आसानी से पार करेगा और इसमें जो है ज्यादा करंट प्रवाहित होगा और इसमें जो है कम करंट प्रवाहित होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, तो यहां देखिए हल मोटा तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तार का प्रतिरोध कम होगा उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। यह देखिए चूंकि प्रतिरोध जो है क्या होता है, तो एरिया के विद्युत अनुपाती होता है क्षेत्रफल के, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहाँ देखिए यहाँ ए वन ज्यादा है ए टू से, ए वन मतलब क्या, तो ये ए वन और ये जो है ए टू। यहाँ पर ए वन मतलब ये हुआ कि ए वन जो है मोटा तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ए टू जो है पतला तार का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ ए वन ग्रेटर देन ए टू है, इसीलिए जो है आर वन जो है क्या होगा, तो आर टू से छोटा होगा। इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आर वन होगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा, आर टू होगा। और जैसे कि एरिया जो है ये बड़ा है तो प्रतिरोध इसमें कम होगा और ये एरिया जो है क्या है कम है तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, मतलब करेंट जो है कम पास करेगा इसमें और इसमें जो है करेंट ज्यादा पास करेगा। इसीलिए जो है यहाँ देखिए आई वन जो है क्या होगा, तो ग्रेटर होगा आई टू से, मतलब ये I1 जो है इस I2 से क्या है ज्यादा है क्योंकि सेम सोर्स से जो है ज्यादा करंट पास हो रहा है इसमें और इसी सेम सोर्स से जो है सेम स्रोत से जो है धारा जो है क्या हो रहा है इसमें कम पास हो रहा है, इसलिए जो है ये करंट ज्यादा होगा और ये करंट कम होगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का और यहाँ पर जो है ए वन जो है क्या है, तो ए टू से ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ज्यादा है और ये जो है कम है, और जैसे कि हम जानते हैं कि आर जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए जो है R1 जो है R2 से क्या होगा कम होगा और अगर R1 R2 से कम है तो करंट जो है किसमें ज़्यादा पास करेगा, तो इसमें जो है ज़्यादा पास करेगा मतलब आसानी से पास करेगा और इसमें जो है कम पास करेगा इसके मुकाबले सेम सोर्स से। तो आप जो है इसको लिख लीजिए क्योंकि जो जो हम बोले हैं उसका जो है पूरा डिटेल ये है, ये लिखा हुआ है, तो आप जो है इसको लिख लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा समझ आया होगा। तो इसके लिए इतना ही, इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।